What's up guys? Welcome back to my channel, नौकर मोटर ऑफिसर guys. तो मेरा नाम है दर्शित कुडारी और मैं आप लोगों का स्वागत नौकर मोटर ऑफिसर चैनल पर तहे दिल से करता हूँ guys. तो गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, सलाम वालेकुम guys. तो यहाँ पे लग चुकी है TUV 300, यानी कि ये गाड़ी आ चुकी है GJ01 HV0863, यानी कि ये गाड़ी आ चुकी है अहमदाबाद से, जो कि वो गुजरात में है. और ये गाड़ी के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं बता दूं मैं आपको. ये गाड़ी पहली बार हमारे वहाँ आई है, इसके अंदर कुछ डिफरेंस करने वाले हैं. पूरी गाड़ी आपको चेकआउट में करा देता हूँ कि हम लोग इसके अंदर सिर्फ दो ही काम करने वाले हैं. पहला तो क्या काम है देख रहे हो, पूरी गाड़ी चेक कर लीजिए, पूरी गाड़ी के सीट कवर चेक कर लीजिए. ओके गाइस, तो ये गाड़ी के अंदर हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे ऊपर सेंटर एसी करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे वाला. और यहाँ पे तो एसी आगे है ही, पीछे हम लोग सेंटर एसी करने वाले हैं. और दूसरी बात कि यहाँ पे पीछे हम लोग बनाने वाले हैं सोफा कम बेड, जो कि ये हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर है और बहुत ही अच्छे से कस्टमर भी बन चुके हैं. तो गाइस ये गाड़ी के अंदर हम लोग करने वाले हैं सोफा कम बेड और सेंटर एसी. तो पूरी गाड़ी चेकआउट कर लो. यहाँ पे ये गाड़ी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 सीटर कार है ये. ये पूरी की पूरी सीट निकल जाएगी, बीच वाली सीट निकल जाएगी. यहाँ पे सोफा कम बेड बनने वाला है और वहाँ पे ऊपर सेंटर एसी का काम होने वाला है. तो गाइस ये पूरी की पूरी गाड़ी मैंने आपको चेकआउट करा दी है. ओके देख लो. तो ये गाड़ी के अंदर पूरा वर्क अभी स्टार्ट हो जाएगा, तो एंड तक पूरा वीडियो देखना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि ये गाड़ी में आपको काम कैसा लगा. फर्स्ट टाइम आ चुकी है TUV 300, जो कि महिंद्रा की गाड़ी है और इसके अंदर हम सोफा कम बेड करने वाले हैं और बीच में सेंटर एसी का काम होने वाला है. सो चलिए चलो काम स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो एंड तक देखना और मज़ा आएगा. चलिए काम स्टार्ट करते हैं. गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे TUV 300 जो लग चुकी है गाड़ी, और इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं सोफा कम बेड का काम करने वाला है. देखो पूरा का पूरा काम स्टार्ट भी हो चुका है और हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर लगा दिया सेंटर एसी, देख रहा कंप्लीट लग चुका है. और हम लोग बीच वाली सीट निकाल के पूरा का पूरा ये गाड़ी में सोफा कम बेड का काम करने वाला है. आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे GJ01 HV0863, यानी कि ये जो अहमदाबाद से यहाँ पे महिंद्रा की TUV 300 गाड़ी आ चुकी थी हमारे पास. तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा का पूरा वर्क जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दिया था और पूरी की जो गाड़ी है वो हम लोग बनाने वाले हैं. पीछे सोफ़ा कम बेड बनाने वाले हैं, ये जो पुरानी मैटिंग वो निकाल के हम लोग ब्लैक कलर की लेदर मैटिंग करने वाले हैं. ओके हम लोगों ने ऊपर पूरा का पूरा सेंटर एसी कर दिया है और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं सोफा कम बेड. फाइनली आप लोग यहाँ पे महिंद्रा TUV 300
देख रहे हो ये, जैसे कि ये गाड़ी आ चुकी थी अहमदाबाद से। और हाँ गाइस, ये गाड़ी के अंदर हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सा वर्क भी कर दिया है। ओके, तो ये गाड़ी के अंदर हम लोगों ने क्या किया है और अभी मैं आपको पूरा का पूरा जो वर्क है वो दिखाता हूँ। आप देख रहे हो कि यहाँ पे अभी बज चुके, एक बज चुका है रात को 13 सितंबर 2022। ओके गाइस, GJ01HV0863 यानी कि ये गाड़ी आ चुकी थी अहमदाबाद से। और ये गाड़ी के अंदर हम लोगों ने सोफ़ा कम बेड और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने पूरा वर्क किया हुआ है। और इसके अंदर हम लोगों ने ऊपर डाल दिया है सेंट्रल एसी। ओके, तो अभी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि किसी तरह पूरा वर्क किया हुआ है। तो चलिए जाते हैं अंदर की ओर। तो गाइज, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अंदर हम लोगों ने किसी तरह पूरा सोफ़ा कम बेड का वर्क किया हुआ है। देख लो, आराम से दो लोग आराम से सो सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको आगे से भी दिखाता हूँ कि कैसी तरह पूरा है। हम लोगों ने सीट कवर्स भी क्रीम और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में लगा चुके हैं। बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। और इसमें सोफ़ा कम बेड है, यानी आप जब भी बैठना चाहते हो तो बैठ भी सकते हो। तो और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे हम लोग इको में जो ऐसे काम करते हैं वैसी तरह यहाँ पे भी काम कर दिए। यहाँ पे आप सामान भी रख सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको ये पोर्शन मूड हो जाएगा और आप यहाँ पे आराम से बैठ भी सकते हो। आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं खुद बैठ के दिखाता हूँ आपको मैं। ओके, यहाँ पे आप आराम से बैठ भी सकते हो और यहाँ पे ये यहाँ पे बैठ भी सकते हो और तीन और तीन छः लोग आते हैं। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर एसी भी लगा दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त वाला, और कूलिंग भी एक नंबर दे रहा है। और यहाँ पे इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी है ऑफ, लो और हाई। तो गाइस, कैसा लगा पूरा वीडियो? और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा सा वीडियो बन चुका है और गाड़ी का काम भी ख़त्म हो चुका है। अभी रात को 1 बज चुके हैं, तो अभी जाने के लिए रेडी हो चुकी है गाड़ी। ओके, तो देखना। और महिंद्रा TUV 300 यानी 300 के जितने भी हमारे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, एक बार चेक करना कि इस तरीके का काम हम लोगों ने नौकर मोटर पे स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे हम लोगों ने सेंटर एसी भी लगा दिया है जो कि बहुत ही अच्छी सी कूलिंग दे रहा है। सीट कवर भी आपने देख लिया, चॉकलेट अरे सॉरी क्रीम और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में। और सोफ़ा मैं आपको बताता हूँ कैसी तरह पूरा सोफ़ा, यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रिप दे दी है, यानी कि यहाँ से निकालना हो तो आप निकाल भी सकते हो क्योंकि सीट बहुत ही लंबी है इसकी। ओके, देख लो, और ये बन गया पूरा का पूरा सोफ़ा। को दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने एक चार्जिंग का सॉकेट भी दे दिया है, तो आराम से पीछे बैठे हुए लोग यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हैं और आराम से अपनी जर्नी एकदम बेहतरीन बना सकते हैं। ओके, तो गाइज ये हमने अपडेट किया हुआ है और बहुत ही अच्छे से गाड़ी बन चुकी है, आप लोग देख रहे हो गाइज। तो अभी बारिश भी स्टार्ट है यहाँ पर और पूरा का पूरा वर्क जो है वो ख़त्म हो चुका है। गाइज आप देख रहे हो कि अभी रात को कितने बजे, मैं आपको दिखाता हूँ, 1:27 13 सितंबर। और अभी बारिश का काम, बारिश की सीज़न है तो बारिश गिरने वाली है। तो गाइज़ बस ऐसे ही नई नई अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। तो चलिए इसके ग्लास भी अप कर देते हैं, यानी ख़राब ना हो गए कि बारिश अभी काम स्टार्ट है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
और ये गाड़ी अहमदाबाद जाने के लिए रेडी हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पूरी की पूरी गाड़ी है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच।